अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ झटपट दाल गोश रेसिपी। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। तो मैंने यहाँ पे दाल है ना भिगा के ले लिए। ये दाल में मैंने मूंग की दाल, मसूर की दाल, तुअर की दाल, चने की दाल, सारी दाल मिक्स करके ले लिए। उसको मैंने 1 घंटा भिगाया। आप चाहो जितना टाइम भिगाने का भिगाओ। कभी कभी मैं सिर्फ चने की दाल में बनाती हूँ, दाल अपनी चॉइस है। कभी आप चने की दाल ना डालते हुए मसूर, मूंग, तुअर के साथ बना सकते हैं, तो ये हमारी चॉइस होती है। दाल कोई भी लो आप। कोई कोई लोग तो सिर्फ और सिर्फ चने की दाल में बनाते हैं। अब दाल गोश्त बोलो या दालचा, बात तो एक ही है। दाल और गोश्त को मिला के पकाओ, दुधिया डालो, एकदम मस्त फेवरेट दावतों वाली चीज़ तैयार, जो कि मेरा फेवरेट है। ठीक है, तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया। मैंने इसको अच्छे से 2 से 3 पानी में वॉश करके भिगाया था। अब ये पानी को मैं ज़ाया नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने फेंका नहीं। इसके साथ ही मैं बॉईल करूँगी। इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, इसमें ऐड होगी हल्दी, और साथ में ऐड होगा 2 हरी मिर्ची। ठीक है, ये ऐड करने के बाद इसको हम ढक के इसको इतने अच्छे से सीटी देंगे कि दाल पूरी अच्छी तरीके से गल जाए। तो यहाँ पे दाल जो है वो अच्छे से गल चुकी है, देख सकते हैं आप। और मैंने इसको ज़्यादा घोटा नहीं, क्योंकि जो चने की दाल है ना वो गल चुकी है, सॉफ्ट भी हो चुकी है, बताती हूँ आप लोगों को। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ना वो थोड़ा थोड़ा दिखे। ये देखिए, ठीक है, मुझे ऐसा चाहिए। तो अभी मैं ये बड़े वाले टोप में ये दाल को पलट दूंगी, और यही कुकर में अभी जो गोश्त है ना उसको बघार लगाऊंगी, कच्चे गोश्त को बघार लगा के बाद में विसल लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने गोश्त ले लिया 1/2 किलो के आसपास। ठीक है, बड़ी बड़ी बोटी है, ज़्यादा मैं इसको छोटी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये बकरे का गोश्त है तो इसको मुझे अलग से गलाने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली अपन बघार दे के ही पका लूँगी मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ाया, कुकर में मैंने तेल ऐड कर दिया है। मतलब ये भी झटपट वाला दाल गोश्त बोल सकते हैं हम। ठीक है, इससे पहले भी 2-3 बार मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की दाल गोश्त की, वो अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो दालचा बोलो, दाल गोश्त बोलो, मेरे लिए नाम में कुछ नहीं रखा हुआ है, मेरे लिए टेस्ट में रखा हुआ है। कुछ लोग दालचा बोलते हैं, कुछ लोग दाल गोश्त बोलते हैं। ठीक है, तो बस अब ये कांदा इसमें ऐड करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर खड़े गरम मसाले ऐड करूँगी। तो गरम मसाले में मैंने ना एक चक्री फूल, कुछ काली मिर्ची, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची और तेज पत्ता लिया है, वो मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये कांदे। तो ये पुदीना है और ये कोथमीर की लकड़ियाँ है, जो कॉर्नर साइड नहीं होता है क्या, वो हिस्सा मैंने यहाँ काट के ले लिया। ये मैं मसाले में डालूंगी और ये जो है कोथमीर ये ऊपर डालने काम आएगी, क्योंकि लकड़ियों से ना बहुत अच्छा स्वाद आता है, सालन में हो या क्या बोलते बिरयानी में हो, किसी में भी। हाँ, लकड़ियाँ फेंकने का नहीं। यहाँ पर कांदे लाल हो गए, अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। कांदा कुछ ज़्यादा लाल हो गया ना, मुझे भी लग रहा है। शुक्र है जला नहीं, कोई ने खिड़की के पास से ना बोतल फेंक के गया था, कोई देखने के लिए खिड़की खुल रही थी, उसमें ये थोड़ा लाल ज़्यादा हो गया। तो ऐसा अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये गोश्त। टमाटर, धनिया की बुक्की, मिर्ची बुक्की सोच समझ के ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची भी ऐड की। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया हल्दी की बुक्की, धनिया की बुक्की, मिर्ची की बुक्की। ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से भून भून के पकाऊंगी। इसको भूनते हुए पकाना जब तक के जो है ना गोश्त का पानी सूख नहीं जाता। ठीक है, और यहाँ पे ना मैंने कोथमीर पुदीना ऐड कर दिया है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो कांडी जो होती है कोथमीर की, वो भी मैं ऐड करूँगी। और थोड़ी सी लाल मिर्ची की बुक्की कम लग रही थी तो मैंने वो भी ऐड कर दिया। अब ये सबको ऐड करने के बाद हमें अच्छे से इसको पकाना है, बिना ढक्कन लगाए के भूनते भूनते, ताकि टमाटर जो है अपना वो अच्छे से गल जाए। मैं ऐसा इसलिए अभी कर रही हूँ क्योंकि मुझे जब मैंने जो टोप में दाल ऐड की ना उसके बाद ये ऐड करने के बाद ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े।
अब इसके अंदर ऐड करूंगी मैं थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और साथ ही साथ गरम मसाला पाउडर। ये ऐड करने के बाद इसको हमें थोड़ा सी चलाना है अच्छे से। तो इसके अंदर अभी मैं दूधिया ऐड करूंगी और पानी ऐड करके इसको 4 सीटी लगाऊंगी। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि दूधिया गल के दिखेगी क्या दाल गोश्त में, तो जी ज़रूर दिखेगी, क्योंकि मैंने गोश्त को इस तरह से पहले ही भून लिया है कि जो दूधिया है ना वो ज़्यादा घुलेंगी नहीं। अगर आपको गोश्त आप गोश्त को इस तरह से भूनेंगे नहीं मैंने जैसा भूना, तो आप स्टार्टिंग में उसको सीटी लगा दो, जो 6-7 सीटी आप ले लो गोश्त गलाने के लिए। उसके बाद आखिरी 2 सीटी में आप दूधिया ऐड करके उसको छोड़ो 2 सीटी होने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना अपना गोश्त जो है वो रेडी है, ठीक है, देख सकते हैं आप 4 सीटी में गोश्त भी गल गया अपना अच्छे से और जो दूधिया है वो भी गल गई है, देख रहे हो। क्यों 4 सीटी में दूधिया नहीं गली और गोश्त अच्छे से गल गया? क्योंकि हमने पहले उसको गोश्त को अच्छे से भुना था, ठीक है, और दूधिया बाद में ऐड किए थे। ओके, अब मैं क्या करूँगी, इसको ये जो मैंने कुकर में बनाया इसको मैं ये जो बड़े टुक में दाल मैंने ऐड की थी उसमें उंडल दूंगी और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके इसको बॉइलिंग पे रखूंगी। तो ये मैंने इसमें उंडल दिया, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, ठीक है। मेरे हाथ में ना कैमरा है, एक्चुअली मैं ना आज मेरे को शूट करने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है, मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ पहले। तो अब मैंने इसको रख दिया बॉइलिंग पे, ठीक है। मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा सा जो दाल दिखती है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं जो दाल को पूरा घोट देते हैं, मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी थोड़ी सी दाल चाहिए रहती है, तो ऐसा है। अभी इसको लगाएंगे हम बघार और यहाँ पे बन रहा है मेरा जीरा राइस। तो जब तक ये यहाँ पे बॉईल हो रहा है, देख रहे हो आप बॉईल हो रहा है, ये मेरा दाल गोश्त रेडी होने वाला है। और यहाँ पे मैंने तेल गर्म करने के लिए चढ़ाया और यहाँ पे जो है ना मैंने कांदा काट के ले लिया, इसको हम लोग डालेंगे बघार में, और थोड़े से कड़ी पत्ते लिए हैं, ठीक है, और साथ ही साथ अपना ये, ठीक है। तो चलिए ये गर्म हो जाता है तो मैं इसके अंदर सबसे पहले ऐड करूंगी कांदा। बहुत मुश्किल होता पता है अकेले कुकिंग करके शूट करना, ऐसा नहीं कि मैं नया नया कर रही, पहले से करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना ये किचन में ना थोड़ी दिक्कत हो ही जाती है। अभी हो गया अच्छे से बॉईल, तो अब मैं गैस को ना बंद कर दूंगी, ठीक है। तो मैंने इसको स्लो पे रख दिया है, ठीक है, तरी जम रही है लेकिन इसको पकने दो। और यहाँ पे देख सकते हैं ना जो कांदा है वो अच्छे से लाल हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुछ कड़ी पत्ते, आप चाहो तो कुछ हरी मिर्ची हो ना बारीक बारीक काट के वो भी ऐड करो, अच्छा टेस्ट आता है। बट मैंने ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारी हरी मिर्ची पहले भी काट के डाली है तीखा बनाने के लिए, तो मैं अभी वो कुछ नहीं कर रही, इसमें हरी मिर्ची काट के ऐड नहीं कर रही, ठीक है। अब इसके अंदर ये देख सकते हैं अच्छे से लाल हुआ है ना। अब उसके अंदर पुदीना ऐड करूंगी, इसके अंदर चुटकी भर लाल मिर्ची चुटकी ऐड करूंगी सिर्फ थोड़ा सी कलर आने के लिए, ठीक है। और इसको मैं 2 मिनट, मेरे हाथ में ना कैमरा बहुत डिफिकल्ट होता है कैमरा लेकर कुकिंग करना, ठीक है। इसको मैं इसमें ऐड किया बट इसको ज़ाया नहीं करूँगी, मैं अभी कैमरा कर रख रही हूँ, पहले मैं इसको इसमें ऐड करती हूँ फिर मिलती हूँ। तो देखो बस अब कुछ नहीं करने का अपने को, इसको थोड़ा सा ऐसे चला लेने का है, देख रहे हो ये रेडी है, खाने बैठ जाओ, चावल भी रेडी है, ठीक है। लेकिन फिर मैं इसके अंदर थोड़ी सी कोथमीर पुदीना और ऐड करूँगी ऊपर से, बहुत मज़ा आता है मुझे, जितनी कोथमीर पुदीना रहेगी ना दाल गोश्त में उतना ज़्यादा मज़ा आता है। ये देखो ये हो गया रेडी, पर इसको मैं अभी ऐसे नहीं खाऊंगी, कहते हैं ना खाना खाने से पहले वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखना चाहिए, तो इसको आधा मिनट के लिए मैं ज़रा तरी जमने दूंगी। चलो फाइनल लुक देख लेते हैं, तो माशाल्लाह मज़ेदार है कि नहीं, है कि नहीं मज़ेदार। दाल गोश्त को इतना ही पतला रखने का क्योंकि ये ठंडा होने पे और गाढ़ा होता है, ठीक है। अब इसको हिलाएंगे हम लोग थोड़ा सी, ये देखो ये मेरा फेवरेट, ये जो दाल आती है ना मुँह में चने की मेरे को बहुत पसंद है। अगर आपको ऐसे मुँह में नहीं आना है तो आप ज़्यादा गला लो, उसको घुट लो,
ठीक है, अभी मैं थोड़ा निकाल रही हूँ। ये तैयार है हमारा दाल गोश्त। आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। ओके।